शैली में मिन शैतान अललईन रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीअना अबिल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات بيت محمد हुजूर सरवर कायनात का इरशाद गिरामी है कि ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें दो बड़ी गरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी इतरत है, मेरे अहले बैत हैं। तुम जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे, इनके साथ रहोगे, मेरे बात कभी हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगी। और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाए। अज़ीज़ान गिरामी, इस इंतज़ाम हिदायत के बाद अब अगर कोई गुमराह हो जाए तो ये उसकी अपनी बदनसीबी है, इसलिए कि क़ुरान को भी सब जानते हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि हम समझे नहीं कि क़ुरान कौन है, कहाँ है। और अहले बैत को भी सब जानते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम पहचाने नहीं कि अहले बैत कौन है। तो जब क़ुरान व अहले बैत को सब जानते हैं तो फिर क़ुरान व अहले बैत के साथ चलने में परेशानी क्या है? क़ुरान व अहले बैत के साथ चलने में परेशानी क्या है जब क़ुरान व अहले बैत को सब जानते हैं? अब वो परेशानी सुन लीजिएगा क्या है। क़ुरान किसी की मुरव्वत नहीं करता, बादशाह हो, मालदार हो, ताजिर हो, कोई बड़े से बड़ा हो, कोई हो, क़ुरान किसी की मुरव्वत इसलिए नहीं करता कि मुरव्वत करता है आदमी इसलिए कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे बिगड़ न जाए। वो हमसे बड़े हैं, हमसे बिगड़ न जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दें, लिहाजा बात टाल जाओ भाई। लेकिन क़ुरान सबसे बड़े का कलाम है, तो जब सबसे बड़े का कलाम है तो मुरव्वत क्यों करे? अच्छा, जो बादशाह बन गए, जिन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया, जो इख्तदार पा गए, जो मुल्क व माल पा गए, उनको ये शुबा हो गया कि वो बड़े हैं, तो अब दो बड़े एक साथ रह नहीं पाते, दो बड़े एक साथ रह नहीं पाते। लिहाजा क़ुरान बड़ा सही, लेकिन जुज़दान में लिपटा हुआ अलमारी में रखा रहे, अमली ज़िंदगी में ना आए। इसलिए कि अगर अमली ज़िंदगी में आया तो हमको कदम कदम पर टोकेगा, ये न खाओ, ये न देखो, ये न बोलो, ये न करो,
ये तुम्हारा हक नहीं है, इस पर ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। इस झगड़े में कौन पड़े भाई? हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि जो चाहे खाएं, जो चाहे पिएं, जिसका चाहे माल लूट लें, जिस पर चाहे कब्जा कर लें। ये तो बार बार हमको रोक रहा है, टोक रहा है, लिहाजा हम इनसे अच्छा अब अहले बैत को क्यों छोड़ा? ये भी सुन लीजिए, कुरान अगर अहले बैत ना होते तो कुरान हर वक्त खुला होता, इसलिए कि पेड मुल्ला कहते इसका ये मतलब है। पेट मुल्ला कहते इसका ये मतलब है, इस आयत का ये मान है आप नहीं जानते? हमने कितनी अरबी पढ़ी है, इसका ये मतलब निकल रहा है। सरकार कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। वहां मुश्किल ये थी कि अहले बैत मौजूद थे तशरीह कुरान करने के लिए, लिहाजा कुरान के अंदर आयत निकलेगी, अहले बैत मतलब बताएंगे, फंसेंगे ये। लिहाजा कुरान को भी छोड़ा, अहले बैत को भी छोड़ा। अब अजीजाने गिरामी, दुनिया में जो गुमराही फैली है वो इसलिए फैली है कि ये बात साबित है गुमराही के लफ्ज़ से कि कुरान और अहले बैत को छोड़ दिया है। और अजीजाने गिरामी, कयामत के दिन रसूल शिकायत करेंगे, पढ़िए कुरान। जो लोग बार बार कुरान 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 कहते हैं, कुरान की बात क्या करते हैं आप? कुरान में दिखाइए, कुरान में दिखाइए, मुहर्रम कुरान में दिखाइए, हलम कुरान में दिखाइए, मातम कुरान में दिखाइए। आपका कुरान है कब? जो आप कहते हैं कुरान में दिखाइए, आप पढ़िए कुरान, उसके अंदर रसूलुल्लाह का कौल मौजूद है कि कयामत के दिन अल्लाह की सरकार में खड़े होकर फरियाद करेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, पालने वाले मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। यह गुमराही बताती है कि कुरान को भी छोड़ा, अहले बैत को भी छोड़ा, अपने जाती फायदों के लिए कुरान को भी छोड़ा, अहले बैत को भी छोड़ा। ना कुरान किसी के पास है, ना अहले बैत किसी के पास है। आज उम्मत मुसलिमा ये फरियाद कर रही है कि मुसलमान इस हाल में है, और मुसलमान इस हाल में है, और मुसलमान इस हाल में है। एक मुसलमानों के गमनाकी की दास्तान है जो हर रोज सवेरे के उर्दू अखबारों में पढ़ लीजिए। अगर आप उर्दू नोइंग हैं तो हिंदुस्तान के अंदर उर्दू अखबारों में मुसलमानों की बदनसीबी की दास्तान पढ़ लीजिए, कोई सा भी अखबार ले लीजिए। फिलिस्तीन में ये हुआ, गाज़ा में ये हुआ, और मिस्र में ये हुआ, और अफगानिस्तान में ये हुआ, और पाकिस्तान में ये हुआ, और इतने पूरा जगह मार दिए गए, और इतना बम ब्लास्ट हो गया, और इतना ये हो गया, और इतना वो हो गया, और इसराइल ये कर रहा है, और फुला ये कर रहा है, और फुला ये कर रहा है, और अमरीका साजिश ये हो रही है, और बरतानिया ने ये हरकत कर दी है, और यूँ हमारे ऊपर नुकसान पहुँचा दिया है, और यूँ हम पर जुल्म कर दिया है, और यूँ हमको सता दिया है, ये सब हो रहा है। मुसीबतों की कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इलाज की फिक्र नहीं है। और इलाज बहुत ही उम्दा है और साफ है, और वही हकीम जिसने रोज़े अव्वल आपका इलाज किया था जिहालत के दौर में, जिहालत में जिसने इलाज किया था, और आपके हाथों में ऊंटों की मिहारों को निकाल के जमाने हुकूमत दे दी थी, उस हकीम का नुस्खा लिखा हुआ मौजूद है, इस्तेमाल कर लीजिए, शिफा हो जाएगी, बशर्ते के दिल राजी हो,
वो नुस्खा लिख के गया है, दो जुज का नुस्खा है, ज्यादा अज्जा नहीं है उसके अंदर। नुस्खे में सिर्फ दो जुज हैं, कुरान व अहले बैत। जिसका जो चाहे कुरान व अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कि इस्लाम में जब प्रॉब्लम आए और मुसीबतें आईं तो कहां पर सॉल्व हुई। देखिए गौर तलब है मामला। इस्लाम जिस वक्त आया है उस वक्त तीन ताकतें जो थीं वो इस्लाम के खिलाफ थीं। जब इस्लाम ने इस दुनिया में आज से 1400 बरस पहले कदम रखा और हुजूर ने मक्के में ऐलान रिसालत फरमाया, तो उस वक्त तीन तरह की ताकतें रसूलुल्लाह के खिलाफ उभरी। एक बुतपरस्त कौम है जो मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश करती थी, उन्होंने मुखालिफत शुरू की। ला तो हबल व मना तो उज्जा के पुजारी इस्लाम की मुखालिफत करने के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा हमें यह दीन कबूल नहीं है, हमें यह मैसेज और हमें यह पैगाम कबूल नहीं है। दूसरी मुखालिफत जो की वो यहूदियों ने की और यहूदियों ने कहा कि हमें इनकी रिसालत कबूल नहीं है और ये वो रसूल नहीं है जिनकी तौरात में खबर दी गई है और हम इनकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी मुखालिफत जो की वो नसरानियों ने की, ईसाइयों ने, और उन्होंने कहा कि हम इनको रसूल मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम इनकी रिसालत को एक्सेप्ट नहीं करते। ये तीनों चीज़ें जो हैं मैं आपको रसूल की ज़िंदगी में इशारा कर दूँ, सबूत दे दूँ, ताकि बच्चों के जहन में बात बैठी रहे। बुतपरस्त कौमें मुखालिफ थीं रसूलुल्लाह की, इसका सबूत यह है कि आपने लड़ाइयों में, बद्र में और उहद में और खंदक में उन लोगों से मुकाबला किया जो बुतपरस्त थे और ये लोग आपसे लड़ने आए। ये तीन लड़ाइयाँ इस बात की गवाह हैं कि हुजूर के खिलाफ थीं बुतपरस्त कौम। जंग खैबर इस बात की दलील है कि यहूदी जो थे वो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे। ये दूसरा गरोह था जो रसूलुल्लाह के खिलाफ था। वाकया मुबाहला जो कुरान मजीद में मेंशन है बाकायदा, ये इस बात की दलील है कि वो लोग खिलाफ थे रसूलुल्लाह के जो हज़रत ईसा के मानने वाले थे और जनाब ईसा को नबी मानते थे या खुदा का बेटा कहते थे। नबी मानते होते तो झगड़ा ही का था, खुदा का बेटा कहते थे, उनसे उन्होंने आन के रसूलुल्लाह से झगड़ा किया। तो ईसाई खिलाफ थे, यहूदी खिलाफ थे, बुतपरस्त खिलाफ थे। इस्लाम ने तीनों पर गलबा पाया। आज सेम इस्लाम उसी पोजीशन में है, एक रेजा फर्क नहीं हुआ है। बुतपरस्त कौमें मुसलमानों के खिलाफ हैं, यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ईसाई मुसलमानों के खिलाफ। देखिए यहां तक तो वाह हुआ सब करेंगे, लेकिन इसके आगे चेहरे बदलने लगेंगे। यहाँ तक तो वाह हुआ सब करेंगे कि हाँ बेशक बुतपरस्त कौमें इस्लाम के खिलाफ हैं। सही कहा आपने, यहूदी इस्लाम के खिलाफ हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ईसाई इस्लाम के खिलाफ हैं। लेकिन अब इसके आगे जब बयान पड़ेगा तो फिर चेहरे बनने लगेंगे कि फिर इस्लाम ने गलबा कैसे पाया और इन तीनों ताकतों को जेर कैसे किया। बुतपरस्तों को जेर किया तो अली ने, यहूदियों को जेर किया तो अली ने। और हमारा हमने बुतपरस्त कौमों को जेर करने वाला अली,
खैबर को फतह करने वाला अली। अब आइए, यहूदी जब लड़ने के लिए आए तो कुरान आया, कुरान आया, मन हाथ जगफी है। एक दिन मजलिस में पढ़ चुका हूं कि इल्म से मुराद कुरान है। अब भी अगर आपसे कोई कठोरजती करे जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, अब भी अगर आपसे कोई कठोरजती करे, कुरान यहां तर्जुमा वाला भी रखा हुआ है, जिसका चाहे मजलिस के बाद उठा के तर्जुमा पढ़ ले। अमन हाथ जगफी है, अब भी अगर कोई आपसे झगड़ा करे, कठोरजती करे, जबरदस्ती की बहस करे, बात इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, फकुल, तो इनसे कह दीजिए कि तालो आओ, न दो अबना ना वो अबना कुम व निशा ना व निशा कुम वान फुजना वान फुजकुम। हम अपने नफ्सों को लाएं तो अपने नफ्सों को लाओ, अपने बेटों को लाएं तो अपने बेटों को लाओ, अपनी औरतों को लाएं तो अपनी औरतों को लाओ, हम मुबाहला करें। यही तो है ना, यही आए थे, बहुत सो को जबान याद होगी। ममन हाथ जगह भी हमें बात है माँ जाकर मैं ले लूँ। अब भी अगर आपसे कोई झगड़ा करे, अब भी हुज्जत करे, जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, यानी कुरान आ चुका है, तो इनको लाइए। अब समझिए कुरान और अहले बैत का फलसफा। नसारा से झगड़ा था, कुरान उतर रहा था, मगर बगैर अहले बैत के तना कुरान काफी नहीं हुआ। और जब अहले बैत आ गए और अहले बैत तो कुरान मिल गए, तो नुसैरी जो थे, वो नसायरा नजरान जो थे, वो जिजिया देने पर तैयार हो गए कि हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे। तो अजीजाने गिरामी, बात जो है वो ये है कि आज भी चाहे बुत परस्त कौमें हों और चाहे यहूदी कौम हो या ईसाई कौम हो, जब तक कुरान व अहले बैत का सहारा न लिया जाएगा, इस्लाम की परेशानी दूर नहीं होगी। और अजीजाने गिरामी, हम भी इंतज़ार में हैं और आप भी इंतज़ार में रहिए। देखिए, जो लोग आज हंस लेते हैं इनको हंस लेने दीजिए, और जो लोग मजाक उड़ा लेते हैं उनको मजाक उड़ा लेने दीजिए, इसलिए कि अहले बैत का वारिस इत्तेफाक से पर्दे में है आजकल। मसला यह है कि अहले बैत की जो असली फर्द है वो हमारी निगाहों के सामने, हालांकि उसका फैज जारी है, ऐसी बात नहीं है कि फैज जारी नहीं है, लेकिन इस वक्त वो इत्तेफाक से निगाहों के सामने नहीं है, तो उसकी सूरत पर्दे में है, कुरान का मतलब पर्दे में है। वो लोग जो दुनिया का काम चलाने के लिए आगे बढ़े थे, जब थक के आखिर में पुकारेंगे कि माबूद अब किसी को भेज जो इंसानों को नजात दे, तो फिर वही बात रसूल की सामने आएगी, कुरान और अहले बैत। जब काबे से अहले बैत का वारिस निकलेगा और कुरान से उसका मतलब निकलेगा, तो मशरिक से मगरिब तक एक दिन होगा।
ये जो जमाने में गुमराही फैली है और ये जो इंसानियत खतरे में है, ये जो हर रोज इंसानी खून पानी की तरह बह रहा है और ये जो जुल्म और सितम की दास्तानें गर्म हैं, जमाना बदला नहीं। ये न समझिए कि अहद बनी उमैया खत्म हो गया, ये न समझिए कि अहद बनी अब्बास खत्म हो गया। मिजाज जुल्म कभी बदलता नहीं है। कल भी बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा था, आज भी बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है। और अजीजाने गिरामी ये भी सुन लीजिए कि ये शरफ मुस्लिम देशों को हासिल है कि कत्ल मुस्लिम मुस्लिम देशों में होता है। जायरों को बसों से उतार उतार के कत्ल कर दिया जाता है, पीठ पर मातम के निशान देख देख के कत्ल कर दिया जाता है। समझे आप दुनिया है? और लुत्फ की बात यह है कि दुनिया की मुजरिमाना खामोशी, दुनिया की मुजरिमाना खामोशी इससे ज्यादा हैरत अंगेज है। अब समझ में आता है कि अगर कल लोग चुप रहे तो कैसे चुप रहे। ये वही नस्लें थीं जो कल भी चुप थीं और आज भी चुप हैं। समझे आप, जो मस्जिदों के अंदर और इमामबाड़ों के अंदर जाके बमों का विस्फोट करें, ये कौन सी नस्लें हैं? समझे आप, मैं आपको खाली एक बैत सुना दूं एक मरसिए की, ये कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। सुनिए, कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं, वो सनम लाते थे मस्जिद में, ये बम लाते हैं। घबराने की बात नहीं, यह हमें खबरें दी जा चुकी हैं और हमारे इमाम हमारे रसूल हमको इत्तिलात दे चुके हैं। सरकारे दो आलम ने भी इत्तिलात दिए हैं आखिरे जमान के, और आइम्मे अथहार अलैहिस्सलाम ने भी आखिरे जमान की इत्तिलात दिए हैं। अब लोग अगर हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं तो इससे आप अपना दिल थोड़ा न कीजिए। देखिए अक्सर हमारे नौजवान बड़े मगमूम आते हैं, अरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए वो यूं कह रहे थे, देखिए वो यूं कह रहे थे। बुजुर्ग लोग तो बेचारे आदि हो गए हैं बचपन से सुनते सुनते, लेकिन नौजवानों में जाहिर है नौजवान है तो एक तरह के गुस्सा भी पैदा होता है। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, आप भी हंसिए और लापरवाही से उनको जवाब दीजिए, इसलिए कि कुरान मजीद ने हमको बता दिया है, कुरान मजीद ने हमको हंसने वालों के लिए भी बताया है। कुरान मजीद में आपने बराबर सूरह यासीन पढ़ी होगी, मैं आपको खाली इशारा कर दूं, वह बहुत से जहाँ बैठे होंगे जिनको ज़बानी सूरह यासीन याद होगी,
समझे आप, और सूरह यासीन में एक आयत है कि या हसरतन अल इबाद मा जातिहिम मिन रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। मैं इसका कैसे उर्दू में ट्रांसलेशन करूं, या हसरतन अल इबाद, बड़ी हसरत है, बड़ा अफसोस है उन बंदों पर। यह अल्लाह फरमा रहा है, यह अल्लाह फरमा रहा है, बड़ी हसरत है, बड़ा अफसोस है उन बंदों पर। मा यातीहिम मिन रसूल, कि उनके पास कोई रसूल नहीं आया, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, लेकिन यह कि वो उसका मजाक उड़ाते रहे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपका मजाक उड़ाया जाता है, अगर आपके अकीदा गैबत का मजाक उड़ाया जाता है, अगर आपके उन नज़रियात का मजाक उड़ाया जाता है जो आपके कलेजे से लगे हैं, तो आप परेशान ना होइए। आप रसूल नहीं हैं, आप गुनाहगार इंसान हैं, आपसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, और वो ये कि घबराने की जरूरत नहीं है। कुरान और अहले बैत के साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, डरने या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, वहां वहां के बच्चे उसको सुने। बुजुर्गों के वास्ते नहीं है, बुजुर्ग तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए है कि एक आदमी एक जंगल में खड़ा है जहाँ तूफान आया हुआ है, और रात का वक्त है और अंधेरा है, ऐसा घुप अंधेरा है कि वो अपने हाथ जो यूं करता है तो उसको अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहे, इस कदर गज़ब का अंधेरा है। आसमान पर बादल हैं, तूफान आया हुआ है, तूफानी हवाएं चल रही हैं, दरख्त उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं, एक तरफ समंदर है, उसकी मौजों का शोर है, एक तरफ जंगल है और ऊंचा नीचा रास्ता है, खड़ है जहाँ दरिंदों का शोर है, और वो बेचारा इस हालत में खड़ा है कि पता नहीं समंदर की कोई मौज आ जाए बढ़ के और उसको ले जाए, या वो आगे बढ़े तो किसी खड्ड में गिर जाए 25, 30, 50 फीट नीचे, हड्डियाँ उसकी चूर चूर हो जाएं, या कोई दरख्त का डाला उस पर टूट के गिर पड़े, बहुत बड़े दरख्त का, और उसकी मौत वाकई हो जाए, या कोई जंगली जानवर फाड़ खाने वाला या डस लेने वाला उसको रास्ते में मिल जाए, उसको फाड़ खाए या उसको डस ले, ना आगे बढ़ सकता है, ना पीछे हट सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना कहीं आ सकता है, इस आलम में खड़ा है। यह पोजीशन इस वक्त मिल्लत मुस्लिमा की है, यह पोजीशन इस वक्त मिल्लत मुस्लिमा की है। उसी से एक 50 गज के फासले पर, उसी जंगल में, उसी तूफान में एक दूसरा आदमी खड़ा है, सेम वही पोजीशन है, वही अंधेरा, वही तूफान, वही समंदर, वही दरख्तों का टूट टूट के गिरना, वही जंगली जानवरों का शोर, सेम वही पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है, कोई दूर भी नहीं है, 50 गज दूर है और कुछ भी नहीं। लेकिन यह 50 गज इधर खिसका हुआ जो खड़ा है, इसको बहुत दूर के ऊपर एक रोशनी दिखाई दे रही है, ये उस रोशनी के सहारे चल रहा है कि शायद वहां पहुंच जाऊं और वहां कोई आदमी मिल जाए और मेरी जान बच जाए। अब ये नहीं कह सकते पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कि रास्ते में मर जाएगा, लेकिन आसरा तो है, आसरा तो है। अज़ीज़ाने गिरामी, आज मिल्लत मुस्लिमा जिस हालत में है, हम जो एक इमाम के आने के उम्मीदवार हैं, कम अज कम आसरा तो है।
बारवां सुल्तान बाकी है। हमें कुरान पर एतबार है और हमें अहले बैत पर एतबार है। कुरान ने वादा किया है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलफन्नहुम फिलार्ज कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयमक्कनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयबदलन्नहुम बादा ख़ौफिहिम अमना। अल्लाह ने वादा किया है उनसे जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं कि उनको ज़रूर ज़मीन पर इख्तदार आला देगा जिस तरह उनसे पहले वालों को दिया है, और उनके लिए उस दीन को ताकत देगा जिसको उसने अपने लिए जिसको उनके लिए पसंद कर लिया है, जिसको उनके लिए पसंद कर लिया है, और उनके खौफ को अमन के आलम से बदल देगा। या बदूना नहीं ला शिकून अभी शेहा सबके सब मेरी इबादत करेंगे और कोई शय शिरक न करेगी या किसी शय के जरिए शिरक न किया जाएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी हम उस लम्हे के मुंतज़िर हैं जब दुनिया में इल्म की हुकूमत होगी और सारी ज़मीन अल्लाह को सजदा करेगी और कायनात आलम में शिरक का वजूद न होगा, ज़मीन नूर खुदा से जगमगाने लगेगी और उस वक्त सारे इख्तिलाफात सारे झगड़े सारे फसाद सारी खराबियाँ मिट जाएंगी और दुनिया समझेगी कि दामन अहले बैत छोड़ के और कुरान से अलग हो के उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया था। आज तो सिर्फ बात इतनी सी है कि हम एक आश्रय पर जी रहे हैं और एक राबिते पर जी रहे हैं और उसके अंदर भी कहने वालों के समझ में जो आता है वो कहते हैं, जो समझ में आता है वो कहते हैं, आपसे तो खतो किताबत भी होती है। हंसी के मारे लोटे जा रहे हैं, कहते हैं आप तो खत भी लिखते हैं। मैंने कहा भाई इसलिए लिखते हैं कि जवाब आता है। जिसको जवाब नहीं मिलता वो कभी खत नहीं लिखता, इसको जवाब आता है वो खत लिखता है। उनका आप तो पानी में डाल देते हैं। जी हाँ, दरिया है ना या समंदर, ये पाकिजगी के मरकज है। दरिया हो या समंदर, ये पाकिजगी के मरकज है, दरिया भी और समंदर भी, तो हम वहीं डाल देते हैं इसलिए कि भेजना है खत साहेब आए तथीर को। लिहाजा जहाँ नजासत का शुबा हो वो पैगंबर ले नहीं जा सकता। कहते जी पहुँच जाता है, मैंने कहा जी हाँ पहुँच जाता है, आप घबराहट में कुछ भूले हुए हैं, मूसा की माँ से पूछिए जिसको दरिया में डाला था मिला। सलावत भेजे मोहम्मद भाई। एक देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई, मैं एक मिनट की आपसे इजाज़त चाहूँगा इसलिए कि एक ऐलान है जो मैं भूला हुआ हूँ वो मैं कर दूँ। एक तो खुशखबरी है, अच्छा ऐलान है, और वो अच्छा ऐलान ये है कि लखनऊ से और बनारस से नजफ की डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है और
हफ्ते में 3 दिन लखनऊ से नजफ जाएगी फ्लाइट और हफ्ते में 4 दिन बनारस से डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, और सन 13 से यानी अगले जनवरी सन 13 से बम्बई से स्पाइस जेट की फ्लाइट हफ्ते में 5 दिन डायरेक्ट नजफ जाएगी। बात हुई मुझसे और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने खुद वादा किया है, और इस सिलसिले में शिया परसल्ला बोर्ड ने कोशिश की थी और हमारे बेटे यासू अब्बास मियाँ जो हैं उनने बहुत साल 1.5 बरस इस सिलसिले में बहुत कोशिश की और उसके नतीजे में वो कामयाबी उनको हासिल हुई है, और इस कामयाबी में उनकी खिदमात का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक तो ये अच्छी खबर थी। अब एक बात ज़रा सा मुझे मशवरा देना है, और वो आप कहेंगे बिल्कुल अलग की बात है, रिलेवेंट बात है, मगर मैं क्या करूं, आप लोग सुनने आते हैं तो सैकड़ों तरह के ख़त आते हैं मेरे पास, सैकड़ों तरह के लोग आते हैं, ये कह दीजिए, वो कह दीजिए, वो कह दीजिए। अब मैं क्या क्या कहता बैठूं और सब कहूं तो मजलिस क्या पढ़ूँ, मसला यह है, ये सब मसला है। लेकिन बहरहाल उसमें कोई ख़ास बात अगर होती है तो मैं कह देता हूँ। वो बात देखिए ये है कि या तो शादी ना किया कीजिए, और शादी कीजिए तो करके छोड़ना या किसी औरत को सताना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या किसी को छोड़ के चले जाना या उसको रोटी कपड़ा न देना या उसको तड़पाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है, और इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और इससे बदनसीबी पैदा होती है, इससे आदमी के रिस्क में तंगी आती है, और ये बहुत बुरी बात है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों के लिए कि वो अपने बीवियों को छोड़ के चले गए, बच्चों को ले के चले गए, अब वो औरतें बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं, कोई रोटी कपड़ा नहीं देता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही मनहूसियत की बातें हैं, नहूसत की बातें हैं, और इससे खुदा रसूल अहले बैत सब बहुत नाखुश होते हैं। आप लोग मोमिनीन हैं, आपके अंदर वो चीज़ें होना चाहिए हैं कि जिसको देख के दुनिया सबक ले और दुनिया आपसे सीखे, बजाय इसके कि चार आदमी मिलके समझा रहे हैं और चार महल्ले वाले बुरा कह रहे हैं और उसकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो हैं इसको नहीं होना चाहिए। इस तरह की शिकायतें मेरे पास आती हैं तो ज़ाहिर बात है कि मैंने सोचा कि मैं एक दिन मजलिस में इस चीज़ को कह दूंगा कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये किसी सूरत से मुनासिब नहीं हैं, और अगर आपने किसी के साथ अक्त किया है तो उसका साथ दीजिए, उसको उसके पास पहुंचिए, उसकी मदद कीजिए। ये क्या बात है कि आप उसको छोड़ के इधर से उधर निकल जाए, गायब हो जाए, फुला हो जाए, ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है। बहरहाल ये मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इसको कबूल करें तो बेहतर है। एक बुज़ुर्ग की हैसियत से मुझे मैं उस उम्र की उस मंजिल में हूँ कि आपको मशवरा दे सकता हूँ। एक दफ़ा सलावात भेजते हैं मोहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी, बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि कुरान और अहले बैत, कुरान कानून है और अहले बैत उस कानून की तशरीह करने वाले हैं, और दुनिया को बताने वाले हैं कि इस कानून का मतलब क्या है। और अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ आज, और बात कल आगे बढ़ेगी, कि कानून तो होता है हर मुल्क में। दुनिया में जितने मुल्क हैं इस वक्त, हर एक के पास कानून है, और कानून के पढ़ने में
कोई रोक टोक भी नहीं है। आप कानून की डिग्री हासिल कीजिए, LLB कीजिए, LLM कीजिए, LLD कीजिए, जितना चाहे पढ़ लीजिए, पूरी लाइब्रेरी जमा कर लीजिए, जो चाहे कीजिए, पढ़िए आप, आपको पढ़ने से भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कानून में फैसला आपका नहीं होगा। देखिए, समझ लीजिए, आप मशविरा दे सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। फैसला वही करेगा जिसने कानून बनाया है। बस ये बात आज सुना दूं आपको और उसके बाद बात तमाम हो जाए, फिर कल आगे बढ़ेगा। फैसला वही करेगा जिसने कानून बनाया है। कानून है दुनिया में, हिंदुस्तान में कानून है, कोई रोक टोक नहीं है कानून पढ़ने के ऊपर। बहुत से वकील आपको मिलेंगे उन्होंने कानून पढ़े, लेकिन वकील साहब मशविरा दे सकते हैं, वकील साहब फैसला नहीं दे सकते। फैसला देगा जज। वकील आपके इख्तियार में है, जिसको चाहें आप अपना वकील बना के केस लड़ें, लेकिन जज आपके इख्तियार में नहीं है कि जिसको चाहें आप जज बना के बिठा दें। जज हमेशा सरकार अपॉइंट करती है। जिसका कानून होता है जज वो अपॉइंट करता है। देखिए, मेरे सामने मजलिस में अक्सरियत जवानों और बच्चों की है, लेकिन कुछ चंद बुजुर्ग लोग भी हैं। जब तक हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पास था, यानी 1947 तक, जब तक जज जो थे वो वहाँ से आते थे, अंग्रेज़ जजों को अपॉइंट करते थे। हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या चीफ जस्टिस हो या जो भी जज होते थे हिंदुस्तान में, उनको मुकर्रर अंग्रेज़ करते थे। हिंदुस्तानियों को हक नहीं था जज मुकर्रर करने का, इसलिए कि हिंदुस्तानी ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ आका थे। कानून वहाँ बनता था, जज वो मुकर्रर करते थे। समझे आप? जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उस दिन से हिंदुस्तान का जज हिंदुस्तान में मुकर्रर होता है। अब हाई कोर्ट के जजेस भी यहीं मुकर्रर होते हैं, लोअर कोर्ट के जजेस भी यहीं बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी यहीं बनते हैं, चीफ जस्टिस भी यहीं बनता है, यहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने जज बनाती है, अमेरिकन गवर्नमेंट अपने जज बनाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जज बनाती है, फ्रांस की गवर्नमेंट अपने जज बनाती है। मतलब जहां का होता है कानून वहां जज बनता है, जो कानून बनाता है वो जज बनाता है। अच्छा, फैसला वही करता है। समझिएगा इस मामले को, फैसला करना हमारे बस में नहीं है। फैसला वही करता है जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है। फैसला हम नहीं कर सकते, मशवरा दे सकते हैं, कोर्ट में जाके बहस कर सकते हैं, लेकिन फैसला क्या होगा? फैसला उसका होगा। अच्छा, कानून हमें मालूम है, मगर कानून पर अमल दरामद करने की हमें इजाज़त नहीं है। अब कहेंगे आप, क्या कानून की पाबंदी तो हमें करना है, मगर कानून को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम। हिंदुस्तान का मशहूर कानून है कि कत्ले अहमद की सजा मौत है, जो कोई किसी को जानबूझ के मार डाले उसकी सजा मौत। हमारे सामने एक आदमी ने एक आदमी को जानबूझ के बेखता मार डाला, हमने अपने आदमियों से उसको पकड़वाया और सामने एक दरख्त लगा हुआ था उसमें फांसी दिलवा दी। इसलिए कि कानून में लिखा है कि कत्ले अहमद की सजा मौत है, हमने कानून पर अमल कर लिया, जरा देर में पुलिस आ गई, हम कहिए किसने फांसी दी इसको, हमने कहा हमने,
हम समझिए इनाम इनाम देंगे कुछ। हमने कहा हमने, कहेंगे अच्छा आपने, आइए सरकारी गाड़ी खड़ी है तशरीफ ले चलिए, तशरीफ लाइए बिस्मिल्लाह। चाची हमने तो कानून पर अमल किया है, आप हम ही को पकड़े ले जा रहे हैं। उनका आप होते कौन थे अमल करने वाले, आपको चाहिए था आप पुलिस में रिपोर्ट करें, पुलिस को ले जाती, गिरफ्तार करती, इस पर केस चलता, इसको सफाई का मौका दिया जाता, फिर जिस जज को गवर्नमेंट ने अथराइज किया था मौत की सजा लिखने का, जब वो लिखता तो फांसी होती, ठीक है वो ठीक थी, लेकिन आप कौन फांसी देने वाले। मालूम कानून है मगर हम कानून पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि उल्टी सजा पा जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हर मौके पर तुम अली 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 किया करते हो, और उन्होंने भी तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, जरूर किए होंगे, होते कौन थे। ने गिरामी अर्ज यह कर रहा था कि कानून जो बनाता है जज भी वही मुकर्रर करता है, और उसी का फैसला जो है वो हक होता है, वरना हम आप अगर फैसले कर लें तो उन फैसलों की कदर कीमत नहीं है। तो अब ये इस्लाम जो कानून है ये किसने बनाया है, अगर हमने बनाया है तो रहबर भी हम ही बनाएंगे, और अगर अल्लाह ने बनाया है तो रहबर भी अल्लाह बनाएगा। अब ये आपके फैसला करने की बात है और आपके सोचने की बात है कि ये कानून जो बना है ये किसने बनाया है, इसलिए कि कानून की किताब तो मौजूद है, कानून की किताब तो हमारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम है कुरान पाक, इसी में सब कानून लिखे हैं, और उसके बाद जो कानून है वो सीरत रसूल है, उसके बाद जो है कुरान को अगर वाज़े तरीके समझ में नहीं आता कहीं पर तो सीरत रसूल के ज़रिए समझिए। तो रसूल को किसने भेजा और कुरान किसने भेजा, तो रसूल भी उसी ने अपॉइंट किया, वल्लज़ी बअ्थ फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम, रसूल भी उसी ने भेजा और कुरान भी, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान भी उसी ने नाजिल किया, तो रसूल भी उसी का भेजा हुआ, कुरान भी उसी का नाजिल किया हुआ। तो जब उसी का है तो रहबर का सिलेक्शन,
हम तक कैसे आ जाएगा। इस्लामी मसले में फैसला करने वाले हम कौन होंगे? रहबर का सिलेक्शन भी तो वही करे। और यही वजह है कि रसूल आ गए, कुरान आ गया। अब जब रसूल के जाने का वक्त आया और ये हुआ कि अब रहबरी कौन करेगा, तो रहबर के सिलेक्शन के लिए आर्डर आया कि पहुंचा दीजिए वो बात। वरना अगर नहीं पहुंचाई तो कुछ पहुंचाया ही नहीं। यानी बात के लिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने पहुंचा दी, उन्होंने पहुंचा दी तो उन्होंने आयत भेजी कि अलियो मकमल तो लकुम दीन, हमने दीन कामिल कर दिया। अजीजान गिरामी, अब जब दीन कामिल हो गया तो अब जो कुछ भी बाद में हो वो दाखिल दीन नहीं है, वो शख्स सलावात भेज दें मोहम्मद। वो शख्सी मामलात हैं, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब हुकूमतें बने या बादशाहतें कायम हों या इख्तदार मिले लोगों को, उससे इस्लाम पर कोई असर नहीं पड़ता। और यही वजह है कि जब हुकूमत ने यह चाहा कि इस्लाम को बिगाड़ दे तो वही उठा जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा था। पूरी दुनिया में एक आदमी का उठना, क्या ये हैरत की बात नहीं है? हुसैन को दुनिया क्या समझती है? अजीजाने गिरामी, दुनिया में अभी एक शख्स ने मुझसे पूछा था, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं लोग आते हैं पूछते हैं, कहेंगे दुनिया में टकराव होते रहते हैं जालिम मजलूम के, तो इस रुख से आप करबला को किस एंगल से देखते हैं? तो मैंने कहा करबला का कंपेरिजन आप दूसरी जगहों से न कीजिए, ये अभी कल ही की बात है, कल ही मैंने कहा। मैंने कहा करबला का कंपेरिजन आप दूसरे लोगों से न कीजिए, इसलिए कि झगड़े जो दुनिया में हो रहे हैं वो कौमों कौमों के बीच में हैं, मुल्कों मुल्कों के बीच में है। एक मुल्क इधर है, एक मुल्क उधर है, एक निशान इधर है, एक निशान उधर है। करबला वाला झगड़ा जो था वो कौमों कौमों मुल्कों मुल्कों के बीच में नहीं था, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुकाबला एक इंडिविजुअल से था। कौमों वाला मामला नहीं था कि मक्का मदीना एक तरफ हो शाम एक तरफ हो, ये सूरत हाल नहीं थी। वहां सिर्फ एक हुसैन थे जिनसे यजीद का मुकाबला था। वो एक इंफिरादी शख्सियत, और उसके मुकाबले में वो हुकूमत जो अपने वक्त के मालूमा दुनिया की 60% से ज़्यादा वो फैली हुई, इतनी बड़ी हुकूमत एक आदमी से झगड़ा कर रही है, और उसके बाद फिर एक आदमी ने उसको ऐसी शिकस्त फाश दी कि दुनिया में जितने हारे हैं हुसैन से पहले भी और हुसैन के वाकये के बाद भी, सबके नाम तारीख से गायब हो गए या तारीख के अंदर दब के रह गए, लेकिन यजीद की शिकस्त का नाम आज तक दुनिया में मौजूद है। और हुसैन के नाम पर करोड़ों इंसान हर रोज़ और हर वक्त जमा है
अकीदत पेश करने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, आज मुहर्रम की तीसरी तारीख, ये चौथी रात है अय्याम अज़ा की। मुहर्रम तमाम हो रहा है, अय्याम अज़ा आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं। हुसैन के रोने वाले, हुसैन के सोगवार इन तारीखों में हुसैन के नासिरों का मातम करते हैं। रवायत बताती है कि हुसैन के चाहने वाले मुस्लिम ने अवसजा खिताब खरीद रहे थे दुकान से, रास्ते में हबीब से मुलाकात हो गई। मिलना जुलना छोड़ दिया था हालात की वजह से, लोगों से घर में रहते थे इसलिए कि पूरा कूफा बागी था, कहीं अपना वाला मिल जाता था तो बात कर लेते। चूंकि हबीब अपने वाले थे इसलिए बात कर ली। क्या बड़े इंतजाम हो रहे हैं, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, क्या कोई लड़ाई वड़ाई होने वाली है कहीं? क्या है? कहाँ, तुम्हें नहीं मालूम? कहा मैं घर ही से नहीं निकलता, मुझे मालूम क्या हो? कहा हुसैन इब्ने अली से लड़ाई की तैयारी है। कि हुसैन से लड़ाई की तैयारी हो रही है? कहा हाँ। खिताब लिए वैसे हाथ में फेंका ही हुआ, फेंक दिया। कहा लग चुका हुआ सब खिताब, अभी दाढ़ी पर खून का खिताब लगेगा। अब खून का खिताब लगेगा, अब कोई खिताब और नहीं लगेगा। घर में आए, पता लगाया, बीवी को लिया, बेटे को लिया। मैंने किताब में पढ़ा नहीं है, मगर मेरा नज़रिया यह है कि बीवी बेटे को इसलिए लिया कि जाते वक्त शुभ न हो के हुसैन के पास जा रहे हैं। इसलिए कि बीवी बेटे को लेके कोई लड़ने नहीं जाता है। बहरहाल बीवी को लिया, बेटे को लिया, छोटा सा काफिला बना के चल पड़े और किसी न किसी सूरत से हुसैन तक पहुंच गए। हुसैन तक पहुंच गए, तारीख बताती है आशूरे के दिन जब लड़ाई गर्म हुई और मैदान जंग में ज़बरदस्त जंग शुरू हुई तो मुस्लिम इब्ने उसजा बड़ी शान से लड़े। काफ़ी ज़ईफ़ थे और बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इनकी लड़ाई तारीख के अंदर मौजूद है कि इस तरह लड़ रहे थे कि नैदे से भी लगते थे और तलवार से भी लगते थे। जब दुश्मन करीब आ जाता था तो तलवार निकाल के लगते थे, जब दुश्मन झिटक के दूर भाग जाता था तो नैजा निकाल के हमला करते थे। बड़ी शान से लड़े, लड़ते लड़ते जब घोड़े से जख्मों से चूर होके गिरे और आवाज़ दी तो हुसैन भी पहुँचे, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी पहुँचे, सिरहाने जाके बैठ गए। हुसैन सिरहाने बैठे, हबीब सामने बैठे। अब सांस टूट रही है कि हबीब ने कहा कि मुस्लिम जा रहे हो तो जाओ, मगर जो दिल में तमन्ना है कहते जाओ। तो कांपता हाथ उठा के इशारा किया, कहा इनके लिए वसीयत करता हूँ, इनका ख्याल रखना। कहा मुस्लिम आराम से जाओ, जब तक जिंदा हूँ जब तक आँच नहीं आने दूंगा। मैं कहूँगा ये हुसैन के लिए वसीयत करने वाले, आसरे आशूर को आओ, हुसैन अकेले खड़े हैं, आवाज़ दे रहे हैं आयना आयना जुहैर, आयना आयना मुस्लिम, जुहैर कहाँ गए, मुस्लिम कहाँ गए, हबीब